नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जय भानुशाली और आज आप सबका स्वागत करता हूं मैं डीआईडी लिटिल मास्टर डांस के ब्लॉकबस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेल, बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहां पर काफी सारे लोग आए हैं और आपको बता दूं कि ये जो 3 महीने आपके निकलने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के निकलने वाले हैं। कहूंगा तो एक चीज कहूंगा कि ये शो आपके लिए होगा स्ट्रेस बस्टर शो, एक चीज कह सकता हूं मैं। Thank you. अभी आपने जॉय भैया का डांस देखा, कैसा लगा? हम आपको बता दें कि जॉय भैया ने जो भी किया, that's exactly what our little masters are not supposed to do. Okay? Oh, hello. बहुत शानी बन रही है क्या? हाँ? लेकिन जब तू पैदा भी नहीं था ना, तब से मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ, समझे ना? हाँ। उस लॉजिक से तो आलोक नाथ जी तब से एक्टिंग कर रहे हैं जब वरुण धवन पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या बद्री की दुल्हनिया में आलोकनाथ जी को तम्मा तम्मा लोगे करना था? तम्मा लोगे। अच्छा, हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाय, माय नेम इज तमन्ना। तमन्ना, अरे वाह। तो क्या तुम्हारे फादर का नाम सरफरोश है? है, क्यों? क्योंकि आमिर खान ने कहा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, समझे ना? जोक अच्छा। वाओ जय भैया, इट्स अमेजिंग, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। क्यों? बस आप ये पीजी मारना छोड़ दो। अच्छा, ओके 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 ओके। और बताओ। बोलो बोलो। तुम्हारी लाइन है बेटा। अब तुम्हें मेरे को पूछना है कि बेटा जय भैया कि ये शो का नाम ऐसे डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों रखा है? हाँ, आप बोलो। हाँ, प्लीज, या गो फॉर इट बेटा। शो मेक्स जोक्स का लेवल तो आप समझ ही चुके हैं। हाँ जी। पर जय भैया, हमारे टैग लाइन डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों हैं? वो इसलिए है बेटा क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिन्होंने इतने सालों तक इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक डांसर्स, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए हैं। यही एक ऐसा शो है। अगर आप कोई भी रियलिटी शो देख लो कोई दूसरे चैनल में, आपको सिर्फ और सिर्फ डीआईडी के ही कंटेस्टेंट्स देखेंगे एज जजेस, एज मेंटर्स, एज कोरियोग्राफर्स। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ कि डीआईडी एक्चुअली एक प्रोडक्शन हाउस है फॉर ग्रेट टैलेंट, यार, ग्रेट टैलेंट। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर उससे हमारे ब्लॉकबस्टर्स का क्या कनेक्शन? अरे तुमने देखा नहीं जिस तरह से हमारे ब्लॉकबस्टर की एंट्री हुई थी ओपन कार में, मतलब ये एकदम शोशा रेड कारपेट पे जिस तरह से एंट्री हुई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो टैलेंट है हमारे ब्लॉकबस्टर का, आई एम सो श्योर कि जो मुकाम शोले, हम आपके है कौन, 3 इडियट्स, हेट स्टोरी 2 और साथ ही साथ सलमान खान, आमिर खान और जय भानुशाली ने जो फिल्मों में जो फेम कमाया है, वैसा ही फेम हमारे बच्चे कमाने वाले, सच्ची बता रहा हूँ मैं। के पूछे जरूर, मैं इस सोशल एम्बैरेसमेंट और नेशनल डिजास्टर के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने और जय भैया ने अब तक जो भी कहा वो सिर्फ आपके टाइम पास के लिए था, क्योंकि हमारे श्री दीपक राज्य अध्यक्ष जी अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार हो रहे थे, right? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको बता दूं कि बड़ा गलत सवाल तुमने मुझसे पूछा है कि डांस के ब्लॉकबस्टर क्यों रखा है शो का नाम, ये जजेस क्यों रखे हैं। ये सब सवालों का जवाब वही बता पाएंगे ना जिन्होंने ये शो बनाया है। तो इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा बिजनेस हेड श्री दीपक राजदक्ष को कि वो प्लीज मंच पर आए। हाय, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ZTV over the past 25 years has been at the forefront of providing a platform to the talent of India's common man and opening up a world of opportunities for them. Amongst our talent and formats, Dance India Dance has gone beyond just a reality show and become a movement. Giving dance its due respect, DID has made a dance mainstream career choice for millions. डीआईडी के पहले ऐसा होता हुआ करता था कि कोई डांस कर रहा है तो उनको पूछा जाया करता था कि बेटा डांस तो ठीक है, काम क्या करते हो? या कोई छोटे बच्चे डांस करते हुए अपना डांसिंग टैलेंट परफॉर्म करते हुए दिखते थे तो उनको पूछा जाता था डांस तो ठीक है बेटा, आगे जाके क्या बनना चाहते हो? लेकिन डीआईडी ने लोगों को इस सोच को बदला
DID has given birth to platforms like Supermoms and Little Masters that have celebrated the dancing talent of mothers and children across the country. इस साल की शुरुआत देश के युवा डांसिंग टैलेंट को बढ़ावा देते हुए हुई और अब बारी है बच्चों की लिटिल मास्टर्स की जो अपने आप में ब्लॉकबस्टर्स है. इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वो अपने परफॉर्मेंसेस के द्वारा अपने डांसिंग करियर की शुरुआत करते हुए आज लिखेंगे कल. फैजल, हरप्रीत, जीतू मोनी, तेरिया मगर जैसे अनगिनत नए टैलेंट को DID लिटिल मास्टर्स ने आपके सामने आज तक पेश किया और उन्होंने अपने आप को डांस की दुनिया में अव्वल साबित किया. 3 मार्च 2018 से DID लिटिल मास्टर्स का नया सीजन शुरू हो चुका है जहां हमारे ब्लॉकबस्टर्स बच्चों का साथ देंगे 3 ब्लॉकबस्टर जजेस. सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, अनजाना अनजानी, हम तुम, बचना है हसीनो, इन ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स के ब्लॉकबस्टर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म से लेकर डांस नंबर तक छाई हुई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह और DID के सबसे पुराने सदस्य जो DID के साथ भी और DID के बाद भी DID की पहचान बनकर रह रहे हैं द यंग डांस पैशन मर्जी पेस्टन जी. बच्चों के हर परफॉर्मेंस को गाइड करने के लिए स्कीपर्स की भूमिका में हमारा साथ देंगे DID के ही मंच से निकले हुए हमारे अनमोल रतन जीतू मोनी, वीर राधा शेरपा, वैष्णवी पाटिल और तनय मल्हारा. आप देख ही रहे हैं जय भानुशाली और तमन्ना इस सीजन में एंकर्स की रोल में हमें नजर आएंगे. तो आए देखते हैं DID लिटिल मास्टर्स के नए सीजन की एक छोटी सी झांकी. कैन वी हैव एवी प्लीज. पहले सिर्फ हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनाने वाले जिनकी फिल्में और डांसेस रिलीज होते ही दिलों में करते हैं बैंग बैंग, जिनका फोन कभी नहीं होता हैंग हैंग. सलाम नमस्ते से स्वागत करते हैं अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिद्धार्थ आनंद सर. क्या बात है. जिनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर देना चाहिए क्योंकि शी इज गोना ड्राइव यू क्रेजी. उनको देखकर ऐसा लगता है दैट शी इज मैकडॉनल्ड्स बिकॉज आई एम लविंग इट. वेल, ये सिर्फ अपने लुक्स के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग, अपने अदाकारा के लिए भी बहुत जानी जाती है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, द टैलेंटेड चित्रांगदा सिंह. ये खुद ब खुद यार भाई, इन्होंने मेरे को नहीं बुलवाने का है, मेरी तारीफ नहीं करवानी है, बहुत हो गई है. ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकेगा वापस. कुछ पुराना क्या पुराना. एक बार सुन तो लीजिए. तू किसकी साइड पे है? एक मिनट, माइक थोड़ा नीचे कर ले, बेटर सुनाई देगा. हाँ, अब यहाँ पे बेटर सुनाई. हाँ, वेल मिलिया हमारे थर्ड जज से. एंट्री अच्छी मारूंगा ना मैं भी, क्यों ना मारूं अच्छी एंट्री. वेल मिलिया हमारे कट्टू. वेल, अब हमारे थर्ड जज से मिल लीजिए जिनका नाम है, अब नाम तो बाद में बताता हूँ लेकिन एक चीज बता देता हूँ इनके बारे में. क्रैश कोर्स करके रखे हैं इन्होंने जजिंग के मामले में. हर रियलिटी शो में आजकल जज यही मिलते हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि जी टीवी पहले शो बाद में सोचता है, पहले जज मर्जी को पकड़ते हैं, बाद में फिर में सोचते हैं कि क्या शो बनाना है, ये सोचते हैं उसके साथ. और साथ ही साथ आपने वो जोक सुना होगा, वो जो पांडे जी, बड़े रिस्पेक्ट से पांडे जी कहिए, पांडे जी कहिए. इन्होंने भी बड़े स्मार्ट बंदे हैं, अपने सरनेम में ही जी लगा दिया ताकि सब उन्हें रिस्पेक्ट से ही बात करें. पेस्टन जी, राइट? जय भैया, पर्सनल पंगे बाद में. इंडियास मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स में से एक. कौन कौन, कहां है वो? वाह, तू बोलती जा. जिनकी मर्जी पे नाची है पूरी फिल्म इंडस्ट्री. बोलती जा, किसकी बात कर रहे हो? बोलती जा. लीग ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोरियोग्राफर्स.
अगेन पूरा वापस बोल सकती है बच्ची. अरे जा नादान है इसलिए ऐसे सब बोल रही है. जब समझ आएगी ना तो मेरी तरह ही बोलेगी फिर. ऑल राइट right. क्या बात है जितेंद्र जी, आपने सिखाया तो अभी बंसमर. क्या बात है यार. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे तीनों जजेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए गाइस, थोड़ा सा शोर मचाइए. अच्छा तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, बड़े एकदम जेनरिक सवाल पूछूंगा कि आप तीनों में से जब शूटिंग चल रही थी तो सबसे ज्यादा खाता कौन है, या फिर टेबल पे खाना किसका? खाने को कुछ नहीं मिलता आपको, किसी ने गलत फहमी दी है, कुछ खाने को नहीं मिलता, हम चने खाते हैं सिर्फ. चने आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कोई जज चने खा रहा हो, हमेशा कोई तो यार कोई तो सबूत दो यार मेरा, यार कोई तो साथ दो मेरा. अच्छा सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था इंडस्ट्री के बारे में, कौन? अरे सब एक दूसरे को आधार है. हाँ गॉसिप कौन करता था आप तीनों में से? अरे आंटी कौन है यहाँ पर? हाँ आंटी कौन है सबसे बड़ी यहाँ पर, आपको क्या लगता ये है? आपने ये मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं भी इधर ही करता हूँ. आंटी यहाँ है सबसे बड़ी चुगली वाली आंटी है ये. yes. ये वो पड़ोसी की बुआ होती है ना बुआ, ये वो है. अच्छे. जाओ जाओ ये जहाँ मतलब मौका मिला आओ बहन चुगली करें, यही शुरू हो जाता है इनका. ये अभी भी मेरे कमरे में पहुंच गए थे चुगली करने के लिए. क्या बात है. और आप तीनों में से सबसे ज्यादा फुटेज कौन खाता है? ये रोता है, ये रोता है, ये बहुत ये रोता है. कोई रोता है शो पे? ये रोता है. अच्छा, बात बात में. हाँ ऐसा मत बोलो, अभी भी आंसू आने वाले हैं मेरे. अच्छा ये सब मुश्किल हो, ऐसे टाइम पास वाले सवाल पूछे थे, अब मैं आपसे सीरियसली कुछ सवाल पूछना चाहूंगा. दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस, डीआईडी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यस डीआईडी आपसे पूछ रहा हूं. हां डीआईडी का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सालों से मैं करते आया हूं. आई थिंक यू नो दिस इज I feel कि मैं वापस अपने घर लौट आया हूँ, जो मुझे फील होता है. अगली बार भाग मत जाया कर. कितनी बार बोला है भाग मत जाएगा घर पे रह कर. हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो चैनल के लोग हैं वो कुछ और सोचते रहते हैं, तो जाना पड़ता है. डराने के लिए भी कभी कभी जाना पड़ता है. हाँ जी सब अचानक से एक दूसरे को बताइए, बोले कि नॉट मी नॉट मी. हाँ सो एक्सपीरियंस बताइए सर कि कैसा रहा. बताइए सर आपको कैसा लगा, आप पहला दिन आप शूट पे आए थे, इतने दूर आए थे, ये दोनों जो यहाँ पे आर बीइंग वेरी नाइस टू मी, ये सबसे ज़्यादा मुझे तंग करते हैं और ये मुझे बहुत कम बोलने देते हैं. और हमें इसका माइक छीनना पड़ता है. आपको इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? आप मेरे साइड में ओके. गिव मी फाइव. सो मेरा सेटिंग हो गया, इन दोनों को हमें हैंडल करना है. आप यू चूज योर साइड. आप मेरे को हैंडल करिए ना, मैं बस उसी के लिए ये शो शाइन किया. मैं तो उसी के लिए रुका था कब से कि कब. वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है चित्रांगदा, दैट आपने मुझसे कुछ लोन लिया है क्या? आपने मुझसे कुछ लोन लिया है क्या? एक गंदा जोक आने वाला है. नहीं 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 सीरियसली आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? आपका हेयर स्प्रे? नहीं 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 आपने मुझसे कुछ लोन लिया है? नो नहीं लिया. नहीं लिया फिर पता नहीं क्यों इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है मेरा. उनको भी दिखाना चाहेंगे, एक ट्रेलर दिखाना चाहेंगे, क्या कहते हो? हाँ एक ट्रेलर दिखा देते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिया ठाकुर फ्रॉम हैदराबाद, एपी रॉकर्स फ्रॉम नागपुर एंड सत्यम फ्रॉम गाजियाबाद. ये एक छोटा सा ट्रेलर है, थोड़े से ब्लॉकबस्टर्स है जो आज आपके सामने.
रीजन उन्होंने किया कि सोलोस आपके साथ डुओस और ट्रायोस और ग्रुप्स को ऐड किया है. आई थिंक यू जस्ट चेंज द फॉर्मेट एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. और अगर ग्रुप आता है तो ज़्यादा बच्चों को एक मौका मिलता है मंच पे आने का. इंस्टेड ऑफ 16 नाउ वी हैव मोर देन 25-30 किड्स, बिकॉज ग्रुप में जब आते तो एक ग्रुप आ गया 12 लोगों का. सो आई थिंक दिस गिव्स मोर पीपल अ प्लेटफॉर्म टू कम एंड परफॉर्म. सो द ग्रेट ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट नॉवल आइडिया. लिटिल मास्टर बेटर द लिटिल चैंपियन, लिटिल चैंप सिंगिंग गाना मज हो गया सचिन का. इस बार अलग क्या रहेगा? इस बार दो अलग चीजें हैं, दो अलग जज है जो डांस के दुनिया से नहीं है. पर एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है, क्योंकि इनकी वजह से एक जो डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है, जो डायरेक्टर अपनी स्टोरी ढूंढता है एक डांसर में, उस नजरिया से ये देखेंगे. और शायद चित्रंगा एक माँ होने के एक्ट्रेस है, वो पहले वो एक एक्ट्रेस भी है पर ऑल्सो मम्मी भी है. तो आई थिंक शी विल सी फ्रॉम द कंपैशन साइड. और टोटालिटी में मैं तो सिर्फ डांस ही देखूंगा, मुझे सिर्फ डांस दिखता है और कुछ नहीं दिखता है. और डांस के बाद मुझे जय दिखेगा. So, कुछ नहीं दिखता है. ऑल द बेस्ट, वी आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम. इस बार कितना टफ रहा देखा जाए तो सिलेक्शन? एक्चुअली बहुत टफ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे. टफ कभी हुआ आई थिंक जब सिद्धार्थ 40 से 16 को चूज करना पड़ा. 140 से फिर 40 हमने चूज किए. वहाँ पे सिद्धार्थ ऑलरेडी रो पड़ा था. और 40 से जब 16 चूज करने पड़े तो मैं झगड़ा करने पर उतर आया था कि नहीं इनको भी लो उसके भी लो. पर अब लेना तो सिर्फ 16 को ही था, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए. नहीं यार, अभी तो बहुत जल्दी है फ्रेश टैलेंट. मैं फेवरेट कैसे बोल सकता हूँ यार, ऐसा मत करो यार. कैमरे के पीछे काम किया है, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं ये. तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी देखने के लिए ऑल्सो हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ टैलेंट कूट कूट के भरा है वो हमने देखा है. इनको पता नहीं था ईटानगर कहाँ है. ईटानगर में बच्चे हैं जो हिप हॉप कर रहे हैं, जो आई थिंक बॉम्बे में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. वहाँ से लोग हिप हॉप करते हुए क्रम करते हुए आ रहे हैं, इतना अच्छी तरह वो अपना एक परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं. तो वो मेरे लिए एक्चुअली एक आई ओपनर है. मैं एक्चुअली इतने ज़्यादा शोज़ देखता नहीं हूँ, तो जब मैं लाइव देखा तो मैं चौंक गया कि हमारा एक्चुअली एंटरटेनमेंट का फ्यूचर कितना ब्राइट है आगे, कि आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं तो आगे हमारा फ्यूचर रॉकिंग होगा. कुछ नहीं कर रहा हूँ तो ये तो कर लूँ. साथ में जज करना मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली मैं पकड़ लेता हूँ. बच्चों को जज करना एक्चुअली सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उनका दिल टूट सकता है. उनके लिए अगर आप कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो उनके लिए पड़ोसी बच्चे कुछ ताना मार सकते हैं, बच्चे स्कूल में ताना मार सकते हैं, पड़ोसी ऐसे हैं. तो यू हैव टू वेरी केयरफुली जो बोलोगे वो बहुत कंस्ट्रक्टिवली बोलना पड़ता है, बहुत सेंसिटिवली बोलना पड़ता है. अगर वो ख़राब भी है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनको एनकरेज करेंगे. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हम इतने बच्चे देखते हैं. तो फिर भी हमें वो बैलेंस रखना, वो संयम रखना ज़रूरी होता है. लेकिन शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल. आई थिंक ड्रामेबाज शो में वो उसने काफ़ी अच्छा काम किया है. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली जो आपने स्टेज पे देखा, मैं पहली बार उनके साथ एंकरिंग कर रहा हूँ. सो आई होप दैट और मजा आए उनके साथ और अच्छी चीज़ें कुछ कर सके और क्या कहते हैं और मस्ती कर सकूँ उनके साथ. वैसे भी मुझे वैसे भी बच्चों के रियलिटी शोज ज़्यादा पसंद इसलिए आते हैं बिकॉज वो बहुत ही रियल रहते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस शो. जय, आज देखा जाए तो कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है बच्चों को, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आपको लगता है कि मैं किसी और का नाम लूँगा? मैं बहुत ही सेल्फ अपने आप को पसंद करने वाला, मैं अपना फेवरेट हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जय भानुशाली है जो टीवी पे आज दिख रहा है. एक साथ तीन तीन शोज कर रहा है. आप जो भी चैनल दिख रहे हो उसमें हर शो में मैं ही दिखूंगा. इनकम टैक्स प्लीज नोट दैट आल्सो. हाँ, सो माय हाईएस्ट जीएसटी और टीडीएस. नहीं, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ. जय भानुशाली इज द बेस्ट. जय, इसके अलावा आपकी और मर्जी की केमिस्ट्री हमने स्टेज पर भी देखी और शो में कितनी वेरिएशन लाने वाले हो? देखो, ये एक बावा है, एकदम पागल है. और आई एम सो श्योर दैट हर बार जब मैं इनके साथ आता हूँ तो मस्ती होने वाली है. लेकिन इट्स जस्ट नॉट हिम,
मैंने आज एक नया मतलब एक बकरा? थोड़ा नहीं बकरा नहीं एक ऐसा बंदा देखा है जिस जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग मच विद सिद्धार्थ. सो बहुत कुछ पता चला है इनके बारे में भी, तो बहुत मस्ती होने वाली, इतना तो गारंटी है कि दो दो जब लौंडे सब साथ में हो जाते हैं ना तो कुछ अलग ही मजा होता है. दो लौंडे और मर्जी. हाँ दो लौंडे और मर्जी. सिद्धार्थ आपको डांस करते हुए देखेंगे हम. हाँ हाँ हाँ, आप देखना चाहते हो मुझे डांस करते हुए? सच्ची? हाँ. यार आप लोगों का टेस्ट बढ़ा हुआ थोड़ा है. इनको देखो डांस करते हुए, मैं जज करूंगा. थैंक यू. आप लोगों को भूख लगी होगी यार.